इस वीडियो में बात करूंगा कि अपने मोबाइल से ही आप एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए केवल दो ऐप के बारे में बात करूंगा जिसकी सहायता से आप एजुकेशनल वीडियो, प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में दो एप्लीकेशन रखना है, दोनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दिखा दे रहे हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा एप्लीकेशन है केम स्कैनर। तो आप दोनों एप्लीकेशन को रखना है अगर एजुकेशनल वीडियो आपको बनाना है तो डू रिकॉर्डर जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में आपका सहायता करेगा जो भी वीडियो आप बनाएंगे, और जो केम स्कैनर है इसको आपका जो पीडीएफ बनाना है, जो भी चीज़ पढ़ाना है वो पीडीएफ बनाने में काम आएगा। तो सबसे पहले आप केम स्कैनर से जो भी चीज़ का वीडियो बनाना है उस पर क्लिक कीजिए। ऐसे क्लिक करने के बाद उसका फ़ोटो लीजिए, देख सकते हैं आप कैमरे का ऑप्शन दे रहा है, कैमरे पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिस भी चीज़ को आपको पढ़ाना है या एजुकेशनल वीडियो जिस भी टॉपिक का बनाना है उसका अच्छे तरह से आप ऐसे कैमरे से खींच लीजिए और क्रॉप कर लीजिए। जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ाना है, छोटे से बड़े से टॉपिक जो भी है उसको काट लीजिए, ऐसे क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन दे रहा है, देख रहे हैं, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन दे रहा है, नेक्स्ट के बाद सेव का ऑप्शन दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए आपका ऐसे पीडीएफ बनकर तैयार है, पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, देख सकते हैं पीडीएफ तैयार है। अब यहाँ से आप शेयर इसको कर लीजिए, शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप सेव करने के भी देगा, सेंड टू आपको फाइल में भी देगा और व्हाट्सएप पे भी देगा। सपोर्ट डेट चलिए हम बता रहे हैं आपको, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए किसी फ्रेंड के पास। तो ऐसे करके किसी भी एक फ्रेंड के पास अपने व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दीजिए जो वीडियो आपको पीडीएफ बनाना है, इस पर शेयर कर दीजिए। देखिए ऐसे करके अब यहाँ से आप ओपन कीजिए इस पीडीएफ को, देखिए जस्ट ऑन पे कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा ऑन। इसके बाद अपने स्क्रीन रोटेशन को आपको चालू रखना है। अब स्क्रीन रोटेशन को ऐसे करके घुमा लेना है और आपकी स्क्रीन घूम जाएगा, और जो भी चीज़ आपको पढ़ाना है देख सकते हैं पीडीएफ में उसको अच्छे से अपने स्क्रीन पे जूम करके सेटअप कर लेना है कि फुल स्क्रीन आपका हो जाए, कि वीडियो आपके जो भी अक्षर लिखा है वो बड़े बड़े दिखाई दे और वीडियो अच्छी तरह से बने। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डू रिकॉर्डर में पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शन इस पर आ जाएगा। ऐसे करके आप पढ़ा सकते हैं, देखिए डीसी वोल्टेज स्रोत, डीसी वोल्टेज सोर्स, ऐसे करके पढ़ा सकते हैं। ऐसे टिक करते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे। और देखिए ऐसे वह युक्ति है जिसके आउटपुट पर डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त होती है, ऐसे करके आप पढ़ा भी सकते हैं और टिक करके लाइनिंग करके बच्चों को समझा भी सकते हैं। इस प्रकार आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं किसी भी चीज़ का फ़ोटो से पीडीएफ कन्वर्ट करके। तो आपको दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और दोनों के सहायता से आप ऐसे ही कोई भी एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको नॉर्मली सेव करना है, सेव करने के बाद आप जहाँ भी चाहें यूट्यूब पे या कहीं भी व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार आप एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अपने मित्रों के पास और फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।